नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन SIP एंड शेयर मार्केट लाइक बिग ब्रांड, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप, बट अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है? तो साथियों, आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो इन अपस्टॉक। जी हाँ साथियों, अपस्टॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सेफ एंड सिक्योर है, और साथ ही साथ ये रजिस्टर्ड है हमारे गवर्नमेंट के साथ। तो आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिलो लिंक में। ऑलमोस्ट 10 मिनट लगता है अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस में, और 48 आवर्स के बाद ये इजीली रेडी हो जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ साथियों, अपस्टॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी ब्रोकरेज कम से कम और ईयर मेंटेनेंस चार्जेस वो मात्र जीरो है। तो आप बिना देरी करे अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद बिलो लिंक। वेल साथियों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन सीरियसली गाइस, यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल साथियों, हमारे इस चैनल पे वर्कआउट वीडियोस एंड सप्लीमेंट रिव्यू हम करते हैं। उसे आपने अभी तक चेक नहीं करा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं, एंड मेक श्योर करें आप अपने वर्कआउट रूटीन में सेम वर्कआउट सीरीज फॉलो अवश्य कर रहे हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है लोअर बैक पेन, जो कि आज की तारीख में 18 साल की एज वालों को भी होता है और 40 साल की एज वालों को भी होता है। क्यों होता है लोअर बैक पेन, आगे इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। क्या ऐसे चार वेरिएशन है जिसे हमें डेली परफॉर्म करना चाहिए जिससे डे बाय डे हमारा जो लोअर बैक पेन है वो कम होते जाएगा, और एक दिन आएगा कि हमारा जो लोअर बैक पेन का जो दर्द होता था वो बिल्कुल खत्म होता जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, लोअर बैक एक ऐसा इंपॉर्टेंट मसल है बॉडी के अंदर जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रांग और स्टेबल रख सकता है। अगर हमारा लोअर बैक डैमेज हो गया तो इन फ्यूचर कभी भी हम ना तो बैंड हो पाएंगे, ना ही हम जमीन से कुछ हेवी वेट लिफ्ट कर पाएंगे, और ना ही कभी हम जमीन पर आलकी पालकी बनाकर बैठ पाएंगे। तो आगे इस वीडियो में चार एक ऐसे वेरिएशन बताऊंगा जिससे आपका लोअर बैक स्ट्रांग भी रहेगा, और अगर वो डैमेज हो चुका है तो डे बाय डे रिपेयर होता जाएगा। वेल साथियों, लोअर बैक का पेन क्यों होने लगता है, उसके दो प्रमुख कारण है। पहला तो या तो हम लंबे टाइम तक के लिए एक जैसे एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या तो ऑफिस के काम के लिए। और दूसरा जो मेन रीजन होता है साथियों, किसी भी चीज को अगर हम जमीन से लिफ्ट करते हैं तो उस समय हम ध्यान नहीं देते कि हमारा जो लोअर बैक है, हमारा जो पोस्चर है वो बिगड़ गया है। अगर हम किसी घर में बाल्टी को तोकेंगे तो हम किसे तोकते हैं, बस ये ऐसा तोक लिया, बट ये गलत पोस्चर है। इसमें क्या होगा, आपका 99.9% लोअर बैक डैमेज होने लगेगा। तो अगर आप किसी भी चीज को नीचे से लिफ्ट करेंगे ना, तो हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो बैक है वो आर्च होना चाहिए। वो आर्च होगा ना तो आप कितना भी हेवी लिफ्ट है आप उसको कर पाएंगे, और उसका जो भी इंटेंशन है वो लोअर बैक पे नहीं आते हुए आपके हाथ पे ही रहेगा, और उससे वो प्रॉपर लिफ्ट हो जाएगा। तो साथियों, लोअर बैक के जो पेन क्रिएट होते हैं उसके दो रीजन रहता है, या तो हम लंबे टाइम तक के लिए चेयर पे बैठे रहते हैं उसके कारण होने लगता है, या तो हम किसी भी चीज को हेवी लिफ्ट कर लेते हैं, पोस्चर हमारा गलत होता है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या तू मुझे बताएगा कि घर पे हम कैसे बाल्टी को तोकें बाथरूम में। तो वेल साथियों, आप इसको एक बार दो वेरिएशन से परफॉर्म करिएगा कि आप जो 20 लीटर की बाल्टी है उसको ऐसे झुक के उठाना बिना आर्च करे हुए, और दूसरा उठाना बैक आर्च करे हुए। आपको सबसे जल्दी और सबसे प्रॉपर जो लिफ्ट होगा ना वो बैक आर्च करते हुए लिफ्ट होगा। एक बार आप परफॉर्म करिएगा और नीचे आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा वेरिएशन आपको बेस्ट लगा। मुझे तो पता है कि जो बैक आर्च करके आप लिफ्ट करेंगे ना वो फॉर्म एकदम परफेक्ट है, और उसमें आपको कभी भी लो बैक पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो साथियों, हमारा जो सबसे फर्स्ट वेरिएशन रहेगा वो रहेगा कैट कैमल एक्सरसाइज। उसे कैसे परफॉर्म करना है, जैसा कि मैंने आपको बोल रहा हूँ, आप इस चारों वेरिएशन को कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो, और आप चाहें तो योगा मैट या दरी पे भी परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास योगा मैट है तो मैं उस पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम कैट कैमल एक्सरसाइज करेंगे। एज यू कैन सी, मेरा बैक बहुत आर्ज है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कैट कैमल एक्सरसाइज नहीं करी या सीखी नहीं है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, बट जैसे कि जैसे आप डे बाय डे करते जाएंगे तो आपका भी ऐसे ही बैक आर्च होने लगेगा, ठीक है। इसके ओवरऑल हम 10 रेपिटेशन लेंगे। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी लो बैक में
स्ट्रेच प्रोवाइड करती है, जिससे आपका जो लो बैक का जो मसल का जो सोरनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इजीली। आपको सिर्फ इसके 10 रेपिटेशन लेना है। हमने इस एक्सरसाइज को बिल्ली को करते हुए बहुत बार देखा होगा, इसके लिए इसका नाम कैट कैमल एक्सरसाइज पड़ा है। अब हमारा दूसरा वेरिएशन क्या होगा, इसको हमने बहुत बार योगा में करते हुए देखा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेजर जगह का इशू है, बट आप अच्छे से करिएगा। इसके भी हम 10 रेपिटेशन लेंगे। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड वेरिएशन की, जो कि है स्पाइडर। ठीक है, यहां पर हम रेपिटेशन नहीं लेंगे, बट हम 10 से 15 मिनट तक होल्ड करेंगे और ऐसा कि ऐसा 3 बार हमें करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा थर्ड वेरिएशन रह गया, हाथ को और लेग्स को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे क्या होगा हमारा लो बैक में प्रॉपर टेंशन बढ़ेगा। इसको हम होल्ड करेंगे, स्टार्टिंग में अगर आप चाहें तो 5 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, और डे बाय डे जैसा होगा हम करते रहेंगे तो हम ज्यादा देर तक भी होल्ड कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट वेरिएशन की, फोर्थ की। तो साथियों ये होगी हमारी लास्ट वेरिएशन, कैसे करना है। अब हमारे जो ये दोनों हाथ है उन दोनों को हमें आगे फोर्थ पे टच करना है, बट कैसे करना है ये हमने बहुत बार देखा होगा। हमें बैंड करते हुए टच नहीं करना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसे कैसे इजी कर सकते हैं देखेंगे। अब जैसे कितने ही लोग का यहाँ तक ही जाएगा, उससे ज्यादा जा नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे हम हमारे बैक को नीचे की तरफ फोर्स करेंगे और हमारे जो ये आगे का पंजा है उसको टच करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं मेरा नी लॉक एकदम, ठीक है, बट मैं इजीली मेरा इसको जो आगे का पंजा है उसको मैं टच कर पा रहा हूँ। वो कैसे हो रहा कि हम एकदम से अगर नीचे जाएंगे ना स्टार्टिंग में तो दिक्कत आ सकती है, बट अगर हम धीरे धीरे इसको बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो इजीली हम हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। अब इसको हमें कब तक होल्ड करना है, इजीली 10 सेकंड तक होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आप चाहें तो 5 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं, बट डे बाय डे जैसे हमारी आदत हो जाएगी तो हम 10 से 20 भी जाएंगे। ठीक है, इसे बस होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक, या तो आप चाहें तो आप इसका होल्डिंग पावर इंक्रीज कर लीजिए, 10 की जगह 20 कर लीजिए, 25 सेकंड तक होल्ड कर लीजिए, जिससे क्या होगा हमारा जो एक इस वेरिएशन में क्या होगा हमारा जो लेग का पीछे का जो मसल है वो पूरा खिंचाएगा और बैक खिंचाएगा। ठीक है, सोरनेस डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये हमारा फोर्थ वेरिएशन है और लास्ट वेरिएशन है। आई होप आपको ये चारों वेरिएशन समझ में आए होंगे। वेल साथियों, ये चार एक ऐसे वेरिएशन है जो कि आपके लो बैक को स्ट्रॉन्गर करेगा और रिपेयर करेगा। इन केस अगर आपका लो बैक डैमेज हो चुका था स्लिप डिस्क के कारण, या तो आपने कुछ गलत तरीके से नीचे से कुछ लिफ्ट कर लिया था इसके कारण, तब भी अगर आप इस चार वेरिएशन को डेली परफॉर्म करेंगे अप टू 6 मंथ तक, तो आपका जो एक लो बैक में पेन क्रिएट होता था वो खत्म हो जाएगा। बट मेक श्योर करिए कि आपको इसे कम से कम डेली परफॉर्म करना है। कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, दिन में, सुबह, रात में, कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो जिम में करिए, आप चाहें तो घर पे करिए, आप चाहें तो सुबह करिए, आप चाहें तो रात में करिए, कोई भी टाइम पे करिए, बट आप इस चार वेरिएशन को परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहें तो योगा मैट करिए, या तो आप नॉर्मल फर्श पे भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको इसे परफॉर्म करना है अप टू 6 मंथ तक, तब जाकर आपका लो बैक स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और इन केस अगर वो डैमेज हो गया था बाय लिफ्टिंग रॉन्ग पोस्चर और स्लिप डिस्क के कारण, तब भी वो प्रॉपर तरीके से जो एक दर्द होता था वो खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, वेल साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटर बनूं, मैं आपको गाइड करूं कब आपको कौन सा वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए, किस दिन आपको कौन सी मील लेना चाहिए, किस दिन आपको कौन से मसल को टारगेट करना चाहिए, कैसे टारगेट करना चाहिए जिससे आपको डे बाय डे आपको अच्छे रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप सिंपली हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और आगे की क्या प्रोसेस है आप वहां पर जान सकते हैं। तो साथियों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। इन केस अगर आपके मन में
कुछ भी डाउट हो अबाउट एनी वेरिएशन तो आप बिंदास नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करता हूँ। एक और चीज यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस है बट फिर भी अगर मैं नहीं बात करूंगा तो कौन बात करेगा। जैसा कि हम जानते हैं हाल फिलहाल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, एक तरफ के लिए अगर हम राम मंदिर को और मस्जिद को साइड में भी कर देंगे तब भी अगर हम देखें तो जो हाथ 70 साल में नहीं कर पाया उस कमल ने 10 साल में कर दिया। तो आपका एक वोट बहुत कीमती है। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप मेक श्योर करिए, सोच समझ के जाइए, किसी भी झूठे वादों में मत आइए। आपका भविष्य आपके हाथ में, अगले 5 साल आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं और आप अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं वो समझकर आप वोट दीजिए, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। दैट्स इनफ फॉर नाउ, गुड बाय, टेक केयर, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं अपने लव वंस के साथ। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, गुड बाय।